नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूं वसई के स्टेशन से वसई वाबोड़ा की तरफ जाने वाले रास्ते पर। इस रास्ते पर आप पीछे देख सकते हैं, रास्ते के ऊपर जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। कल 14 तारीख को भारत सरकार में राज्य मंत्री रामदास अठावले यहां आने वाले, उनके स्वागत में ये बोर्ड लगे हुए हैं। बोर्ड लगे हैं, स्वागत है, मंत्री जी का दौरा है, लेकिन ये बोर्ड जो है अपने आप में इनकी खामियां बयान कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, एक बोर्ड जमीन के ऊपर गिरा हुआ पड़ा है। किस तरह से ये बोर्ड यहाँ गिरा पड़ा है, किस तरह से इसको लगाया गया रहेगा, उसकी आप परिस्थिति देखिए। इस बोर्ड को लगाने का जिस किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया या ठेका दिया गया, उसने इसको कैसा लगाया, उसकी परिस्थिति देखिए। ये मेन रोड है, आवाजाही लगातार बनी रहती है यहाँ पर, और ये एक बोर्ड ऐसा नहीं है। कमोवेश इस रास्ते पर और स्टेशन से अंबाड़ी रोड नाके पर जाने वाले हर रास्ते पर कई ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं। उनमें से कई बोर्ड आधे झुक चुके हैं, ये तो पूरा ही नीचे गिर चुका है। तो इस तरह से ये बोर्ड लगाए गए हैं। क्या इन बोर्ड की, पहले तो सबसे पहली बात तो ये, महानगर पालिका से परमिशन ली गई है या नहीं गई, ये सवाल बड़ा है। और दूसरा, अगर मान लो परमिशन ली भी गई है, तो इस तरह की बड़ी चूक क्यों की जा रही है? ये आवाजाही वाला रास्ता है, अगर खुदा ना खास्ता ये बोर्ड किसी गाड़ी वाले के ऊपर गिरेगा, तो क्या उसकी जान नहीं जा सकती है? इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता है? और सिर्फ एक ही नहीं, कहीं आने जाने वाले, तो इस तरह से बोर्ड लगाने की परमिशन दिए जाने के पहले महानगर पालिका को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। चाहे मंत्री जी का दौरा है, मंत्री जी आ रहे हैं, बड़ा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह की लापरवाही जो है, वो कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को नुकसान कर जाती है। ये देखिए, इस बोर्ड की हालत देखिए। क्या इस लापरवाही के लिए प्रशासन जो है वो गुनाह दाखिल करेगा? क्या लोगों की जान से खेलना सही है? विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।